इस वक्त हमारे संवाददाता कुशेश्वर स्थान से अवनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अवनीश, क्या कुछ तस्वीर है, आधा दिन बीत चुका है, 12 बजे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, मतदान केंद्रों पर क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए 12 बज चुके हैं और अभी तक के चुनाव आयोग के जो आंकड़े आए हैं उसमें 11 बजे तक का जो आंकड़ा आया है उसमें 21% जो है से ज़्यादा मतदान हुए हैं। तो ये ज़्यादा उत्साह करने वाले मतदान नहीं है। लगातार चुनाव आयोग लोगों से अपील भी कर रहा था कि सभी लोग घर से निकलकर अपना मताधिकार का प्रयोग करें। हम औराही मध्य विद्यालय में हैं और वहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जो वोटर है, वोटरों की संख्या जो है एकदम इक्का दुक्का जो है वो वोटर आ रहे हैं और वो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। जो मतदान कर्मी है वो अलर्ट है, वो लगातार जो भी वोटर आ रहे हैं उनका उनको उनके मताधिकार का प्रयोग करवा रहे हैं। लेकिन सुबह के का नज़ारा कुछ अलग था। सुबह में जो तस्वीरें सामने आ रही थी, तमाम पोलिंग बूथों पर जो है महिलाओं की कतार काफ़ी लंबी देखी जा रही थी, लेकिन अभी की जो तस्वीर दिखा रहे हैं दिन के 12 बज चुके हैं लेकिन जो वोटर हैं वो वोट करने नहीं निकल रहे हैं। तो ये थोड़ी सी चिंता का विषय जरूर है। लगातार चुनाव आयोग ने सभी से वोट करने की अपील की थी, लोग घर से निकले, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को भी ये कोशिश थी कि सभी लोग घर से निकलकर अपना वोट कास्ट करें, लेकिन जो संख्या है वो काफ़ी उत्साह वाली नहीं है। इक्का दुक्का जो महिलाएं हैं, खासतौर पे महिलाओं का उत्साह जरूर देखने को मिल रहा है। जो भी वोटर आ रहा है उसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। दिन के जो है आधे का समय बीत चुका है लेकिन जो वोटर हैं उसमें महिला वोटर ज़्यादा आ रही हैं, महिला वोटर जागरूक है और ये जागरूक हर लगभग कुशेश्वर स्थान विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है उसमें तमाम कई बूथों की हमने तस्वीर, सीधी तस्वीर लोगों को दिखाई है कि जो लोग वोट कास्ट करने आ रहे हैं उसमें जो तस्वीर सामने आ रही थी कि महिलाओं का उत्साह, आधी आबादी की संख्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही थी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से तमाम सुरक्षाकर्मी की भी तैनाती की गई है, तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं वह अलर्ट मोड पे हैं, कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश न करे, जो वोटर है वो वोट करने यहाँ आए, कोई भी वोकस वोटर वोटिंग यहाँ पे ना हो, इसकी भी जो है तमाम यहाँ पर जो है वो कोशिश की जा रही है कि वोकस वोटर को पहचाना जाए। जो पोलिंग एजेंट है वो भी तैनात है, तमाम जो भी मतदाता आ रहे हैं उनका वो मिलान कर, पर्ची से मिलान कर रहे हैं, उसके बाद उनको मतदान करने का अधिकार दिया जा रहा। तो लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में तमाम लोगों की भागीदारी हो, सभी लोग अपना मत का प्रयोग करें, इसकी कोशिश तमाम जो है चुनाव आयोग की भी रही है और खासतौर पर जो मतदान कर्मी है उनकी भी ये कोशिश है कि सभी लोग जो भी वोटर हैं, जो इस बूथ के वोटर हैं वो अपना वोट करें, अब वोट करने के लिए अपने घर से निकले। लेकिन आधे दिन का समय जो है वो खत्म हो गया है, इसके बावजूद जो जो आ रहे हैं, जो मतों का प्रतिशत आ रहा है, जो वोटिंग का प्रतिशत आ रहा है वो ज्यादा उत्साह करने वाले नहीं है। वाकई अवनीश, जिस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जो बूथ हैं उस पर मतदाताओं की संख्या काफी कम है। हालांकि राजनीतिक दलों की तरफ से जब चुनावी सभाओं को संबोधित किया गया उस वक्त भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे, चुनावी भाषण उन्होंने सुने, लेकिन जब बारी अपने अधिकार के प्रयोग की आई तो अब मतदाता बूथों तक नहीं पहुंच रहे हैं। हालांकि हम भी कशिश न्यूज के तमाम दर्शकों से यही अपील करेंगे कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें और साथ ही साथ अवनीश हम चाहेंगे कि वहां पर जो अधिकारी हैं आप उनसे बातचीत करें कि आखिर कोई ऐसी खास वजह हो सकती है जिसकी वजह से मतदाता वहां पर नहीं पहुंच रहे। नहीं, सबसे पहले तो हम आधी आबादी की बात करेंगे कि आधी आबादी इस कड़ी धूप में भी अपने मतों का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पे आ रही है। घर का सारा कामकाज निपटाकर तमाम महिलाएं जो है वो वोट करने आ रही है। ये बताइए मैडम, घर से निकली हैं, सारा काम धंधा खत्म करके निकली हैं? खत्म करके निकले हैं। अच्छा, तो वोट करना है, आप वोट करने आई हैं? जी सर। कितनी खुशी मिल रही है क्योंकि अमूमन जो तस्वीर सामने आ रही है पुरुषों की संख्या नहीं है, पुरुषों की संख्या काफी कम। बहुत खुश हैं। सबसे पहले ये बताइए कि वोट करने आप जा रही हैं, मन में क्या चल रहा है, क्या सोच के वोट करेंगी, जो आपका एजेंडा होगा, क्या विचार है जब वोट करने जाएंगी? सर, वोट गिराने आए हैं और क्या विचार करेंगे वोट करने अपने? आप लोग अपना काम खत्म करके यहाँ? जी सर, काम खत्म करके आए हम वोट। चाची आप भी आई हैं, सारा गांव काम धंधा खत्म करके आई? हाँ,
देखिए ये तमाम आदि आबादी है और आदि आबादी जो है की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए आज आज जो ईवीएम में जो कैद होगा तमाम लोगों के भाग का फैसला जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा और सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने भी अपील की थी कि सभी लोग घर से निकलकर अपना अपना वोट करें और इसी कड़ी में तमाम जो महिला मतदाता है वो वोट करने पहुंची है, इस पोलिंग बूथ पे पहुंची है और सभी लोगों की कोशिश है बेहद ही खूबसूरत तस्वीर है और महिलाएं अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझती हैं और उनका निर्वहन भी करती हैं और इसी कड़ी में जो तस्वीरें सामने आ रही है इससे स्पष्ट समझा जा सकता है कि महिलाएं कितनी जागरूक हैं और पूरे उत्साह और जोश के साथ वो मतदान केंद्र तक पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही हैं। जी अवनीश। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो तस्वीर आ रही है वो काफी उत्साह करने वाली तस्वीर है क्योंकि जिस पर तमाम समाज का दमोदार है महिला खासतौर पे जो आधी आबादी हमारी है वो आबादी आबादी कितनी जागरूक अब हो चुकी है। आपको मैंने पहले ही दिखाया है कि आधी आबादी से जब हम बात कर रहे थे तो वो साफ साफ कुछ बता नहीं रही थी, तो बिल्कुल अब महिला वोटर भी अब एक्टिव होने के साथ साथ काफी समझदार है और अपनी बातों को किस तरह बताई जाए वो अब समझ चुकी है, इसलिए स्मार्ट वोटर हो गई है महिला। अब महिला वोटर किसी के झांसे में नहीं आने वाली है, उनको पता है कि उनको कहाँ वोट करना है, किस मुद्दे को लेकर वोट करना है, तो कोई बोल नहीं पा रही है। लेकिन जो तस्वीर है तस्वीर काफी उत्साह करने वाली है क्योंकि तमाम लोग महिलाएं घूंघट में आ रही है, जो कल्चर है जो समाज का जो कल्चर है उस कल्चर के हिसाब से लोग आ रही हैं और वोटिंग भी कर रही हैं, तो वोट करना भी नहीं छोड़ रही हैं, घर के कामकाज को पूरा करना भी नहीं छोड़ रही हैं, घर में बच्चे होंगे उनको खाना खिलाने का भी जिम्मेदारी है। इस बार जो एक व्यवस्था रखी गई है पिंक बूथ की वो भी बेहद आकर्षित करने वाली है और शायद पहली दफे इस तरह की कोई व्यवस्था है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहली बार ऐसी व्यवस्था की गई है और खासतौर पे जो वोटर है वो काफी उत्साहित है इस बार, भले ही अभी की जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ज्यादा खुश करने वाली तस्वीर नहीं है चुनाव आयोग के लिए क्योंकि अभी दिन का समय आधे दिन का वक्त बीत गया है, इसके बावजूद जो वोट का प्रतिशत है वो मतदान का प्रतिशत वो ज्यादा नहीं हो पाया है। लेकिन जो महिला वोटर है इसमें महिलाओं की संख्या जिस हिसाब से जो है आ रही है, महिलाएं जिस तरह से अपना वोट कास्ट करने पहुंच रही है, तो हमें लगता है कि ये बड़ा एक संकेत जरूर है। बार बार आधी आबादी की बात होती है, आधी आबादी तो आधी आबादी की बड़ी जिम्मेवारी भी है, घर से लेकर बाहर तक की जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी को बखूबी तमाम जो है आधी आबादी निभाने का भी काम कर रही है। घर में सभी लोगों को खाना खिलाने के बाद तमाम महिलाओं से हमारी बात भी हुई है, कई लोगों ने कहा भी है कि घर के सारे कामकाज खत्म करने के बाद सभी बूढ़े बुजुर्गों को खाना खिलाने के बाद हम अपना वोट कास्ट करने पहुंचे हैं, तो अमूमन सुबह के समय में कतारें लंबी देखी जाती रही है, लेकिन अभी भले ही कतारें लंबी नहीं है लेकिन जो वोटर आ रहे हैं उसमें महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। वाकई ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार भी उपचुनाव में कहीं ना कहीं आधी आबादी निर्णायक भूमिका में रहेंगी।